अब हम दूसरा पार्ट ईदगाह शुरू करेंगे। ईदगाह बच्चों, मैं इस पार्ट के एक एक पंक्ति को बोलती जाऊंगी और आप इसको दोहराएंगे और सही उच्चारण के साथ दोहराने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी आपका उच्चारण और आपका वर्तनी दोनों ही शुद्ध हो। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। चारों तरफ प्रकृति का वर्णन किया गया है कि चारों तरफ ईद के महीने के बाद रोजे, ईद का जो 30 दिन का रोजा होता है, उसके बाद जो ईद आता है, रमजान का जो महीना होता है 30 दिनों का रोजा, उसके बाद जो ईद आता है, वो समय कितना सुहावना होता है, कितना अच्छा लगता है, मौसम और वातावरण कितना अच्छा होता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता का गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, शायद आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है और फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चल के उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया, लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन
बिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और तम्मी धोबर। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले, ले कितना खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तम्मी बोला, तीन ही पैसे तो हैं, तीन पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं, कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ती और उसे गले से उठाकर गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंका, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मुक्त स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में इतना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है आपको और एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ते जाना है, आराम से, कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, आराम से आप एक एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे कि किस तरह से एक बच्चा अपनी दादी को प्यार करता है और वो उसकी मजबूरी को समझता है, अपनी दादी की मजबूरी को समझता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम लिखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं को अपने कॉपी में उच्चारण के साथ उतारना है। सबसे पहला शब्द है मनोहर, जिसका अर्थ है सुंदर, सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला।
प्रभात यानी कि सुबह, हलचल भाग दौड़ रौनक, प्रसन्न खुश, रेला बहुत लोग, सामग्री सामान वस्त्र कपड़े, अपराधी दोषी, क्रोध गुस्सा, स्नेह प्यार, मुख बिना आवाज, रहस्य छिपा अर्थ या भेद, विवेक बुद्धि। अच्छे से उच्चारण के साथ आप इसको लिखते जाएंगे। फिर ये कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ होते हैं। सबसे पहला शब्द है रमजान, जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का धार्मिक महीना। ये एक महीने, पूरे महीने को कहा जाता है, ये एक धार्मिक महीना होता है मुसलमानों के लिए। फिर है रोजा, रमजान के महीने में रखा जाने वाला उपवास या व्रत। रमजान के महीने में जो धार्मिक महीना होता है, इस महीने में रखा जाने वाला जो उपवास होता है उसको कहते हैं रोजा। फिर है ईद, मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार, ये एक त्यौहार है जिसका नाम ईद है। फिर ईदगाह, एक धार्मिक स्थान जहां ईद के दिन की नमाज अदा की जाती है यानी कि पढ़ी जाती है। ईदगाह वैसा स्थान है जहां पे ईद के दिन का नमाज पढ़ा जाता है। नमाज खुदा यानी कि ईश्वर की इबादत पूजा आराधना का एक विशेष विधि। नमाज एक तरीका है, एक विधि है जिसमें भगवान को याद किया जाता है यानी कि ईश्वर को या खुदा को याद किया जाता है। इस पाठ में आए कुछ मुहावरे हैं जिनका अर्थ दिया हुआ है। दिल कचोटना, जिसका अर्थ होता है परेशान होना। कलेजा मजबूत करना यानी कि हिम्मत करना। छाती पीटना यानी कि चिल्ला कर रोना। दिल बैठना, आशा न रहना। चकनाचूर होना, नष्ट हो जाना। दामन फैलाना, आंचल फैलाकर दुआ मांगना। ये सारे शब्दों को भी आप अच्छे से उच्चारण के साथ अपने कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है श्रुति लेख। श्रुति लेख है, इसको वर्तनी के रूप में अपने कॉपी में आपको लिखना है, बोल बोल के। कम से कम दो बार तो जरूर लिखे आप लोग इसको अपने कॉपी में बोल बोल के। सबसे पहला शब्द है रमजान, अल्लाह, सेवैया, सामग्री, भड़कीले, भिस्ती, उंगलियां, सद्भाव, गदगद, रहस्य। इसके अलावा भी अगर कुछ शब्द हैं जो आपको कठिन लगते हैं इस पाठ में आए हुए, उनको आप उच्चारण के साथ अपने कॉपी में जरूर लिखें। इस पाठ का मौखिक और लिखित हम दोनों, मतलब मैं दोनों ही करवाऊंगी, पर आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको लिखवा दूंगी आपको। अभी पर अभी नहीं मैं बोल रही हूँ, इसको मैं आपके कॉपी में लिखवाऊंगी। इसके बाद है प्रश्न, कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखकर बताओ कि पहले क्या फिर क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? रमजान के बाद ईद आई। फिर क्या हुआ? ईदगाह पर मेला लगा। फिर क्या हुआ? हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया। उसके बाद क्या हुआ? बूढ़ी दादी अमीना परेशान थी। फिर सब बच्चों ने अपने पसंद की चीजें ली। फिर आमिर ने अपने पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदा। बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआएं देने लगी। इस तरह से ये दिया हुआ है, एक एक करके आपको सभी अंकों को अपने कॉपी बुक में पहले उतार लेना है। बुक में उतारने के बाद इसको अपने कॉपी में क्रमबद्ध, जैसे दिया हुआ है पूरे प्रश्नों के साथ, ऐसे क्रमबद्ध करके इसको लिखना है। उसके बाद आता है सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगा। हामिद किसके साथ रहता था? दादी के साथ रहता था, इस पे चिन्ह लगाना है। फिर हामिद कहाँ जाना चाहता था? ईदगाह जाना चाहता था। हामिद के मेला देखने जाने से अमीना चिंतित क्यों थी? इसलिए चिंतित थी क्योंकि भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था। वो छोटा बच्चा था, इसीलिए उसकी दादी उससे डर रही थी कि कहीं वो खो ना जाए। फिर सोच कर लिखो, इसे बच्चों आपको खुद लिखना है, बस हम इसकी चर्चा कर लेंगे आज। आप अपने दादा दादी के लिए क्या क्या करते हैं जिससे उनको और आपको खुशी मिलती है? हम अपने दादा दादी के लिए क्या क्या करते हैं बच्चे, इसे खुद लिखना है। जैसे आप अपने दादा दादी की मदद करते हैं काम में,
और उनकी बातों को आप मानते हैं, सुनते हैं, वो जो कहते हैं उनकी बातों को आप मानते हैं और जो बात बोलते हैं उसको आप करते भी। बच्चों पिछले वीडियो में चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 ईदगाह का हम लोग पार्ट मतलब पूरा उच्चारण सहित पढ़े थे और शुद्ध उच्चारण के साथ उसका पाठ हम पढ़े थे हम लोग, और पढ़ने के बाद हम लोगों ने अभ्यास का कुछ अंश किया था और उसके बाद कुछ अंश बाकी था। आज हम बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है उस हिस्से को करेंगे अभ्यास का। जैसे पेज नंबर 20 निकालेंगे, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 में हम लोग करेंगे शुरू भाषा से। भाषा से सबसे पहला प्रश्न है, भाषा से उदाहरण देखो और खाली स्थान भरो। ये मिठाई मिठाइयां यानी कि एक वचन और बहुवचन, ये खाली स्थान में बहुवचन लिखना है, एक वचन दिया हुआ है और बहुवचन। हम इसको एक वचन से बहुवचन में बदलना भी लिख सकते हैं या एक वचन से बहुवचन में लिखे ऐसा भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे खाली स्थान दिया, आपको खाली स्थान करके ही प्रश्न लिखना है और लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में करके आप एक वचन और बहुवचन भी लिख सकते हैं इसके साथ। जैसे मिठाई मिठाइयां, उंगली उंगलियां, टोली टोलियां, रेवड़ी रेवड़ियां। बच्चों तुमने देखा यहाँ पर एक चीज की दीर्घई एक वचन में है जो बहुवचन में जाकर के हर्षई हो जा रही है और उसके साथ यां जुड़ जा रहा है। एक वचन से बहुवचन बनाने में अगर अंतिम अक्षर दीर्घई है तो वो बहुवचन में हर्षई हो जाएगा और यहाँ साथ में लग जाएगा है। और अगर वो बड़ी ई की मात्रा जिसे बोलते हैं दीर्घई यानी बड़ी ई की मात्रा, अगर मात्रा के रूप में है, अगर ये स्वर लिखित स्वर है लिखा हुआ है तो उसको स्वर को हम बदल देंगे, दीर्घई को हर्षई कर देंगे। अगर वो स्वर मात्रा के रूप में है तो उस मात्रा को भी बदल के लिखेंगे, हर्षई कर देंगे और यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से टोली है टोलियां है, रेवड़ी रेवड़ियां है, फिर दुआ दुआएं, माला मालाएं, सभा सभाएं, बालिका बालिकाएं। यहाँ पर ये शब्द जब जो भी हैं, ये आ की मात्रा दिया हुआ शब्द है और सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। जब स्त्रीलिंग शब्द आ की मात्रा के साथ आए तो इसमें हम ए लिख देते हैं, ए। जैसे दुआ का दुआएं, माला का मालाएं, सभा का सभाएं, बालिका का बालिकाएं। जैसा लिखा हुआ शब्द है वैसे शब्द को उतार करके उसके साथ ए जोड़ देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। फिर है चीज चीजें, आवाज आवाजें, बंदूक बंदूकें, औरत औरतें। ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें आ का उच्चारण नहीं है, आ का उच्चारण नहीं है, अ है। आ का उच्चारण मात्रा नहीं दिया हुआ, आ का मात्रा इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अ है। तो ऐसे शब्द का बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा के साथ बिंदु लगाना है। आवाज आवाजें, बंदूक बंदूकें, औरत औरतें, ऐसे करके हम करेंगे। फिर घोड़ा घोड़े, रुपया रुपये, पैसा पैसे, बगीचा बगीचे। यहाँ पुलिंग शब्द जब आ की मात्रा में आए तो वो आ की मात्रा हट करके ए की मात्रा में बदल जाता है, और अगर वो आ लिखा हो तो ए हो जाएगा, या लिखा है तो ए हो गया, आ की मात्रा है तो ए हो गया, आ की मात्रा है तो ए हो गया, यानी कि आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाती है। पुलिंग शब्द में अगर आ की मात्रा है तो ए की मात्रा हो जाती है, स्त्रीलिंग शब्द में अगर आ है, आ की मात्रा है, सब में आ की मात्रा है तो ए हो जाता है। उसी तरह से स्त्रीलिंग में उसी तरह से दीर्घई है तो वो हर्षई हो जाती है और यां, और चीजें आवाज बंदूक औरतें, और अ है तो ए हो जाता है। इस तरह से एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। हम इसको अपने बुक में लिखने के बाद कॉपी में उतार लें, आप सभी बच्चों इसको बुक में लिख लेना पहले, उसके बाद कॉपी में उतार लेना। फिर है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द।
विलोम शब्द को उल्टे अर्थ वाले शब्द और विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, जैसे प्रसन्न अप्रसन्न, आशा निराशा, प्रकाश अंधकार, अमीर गरीब, खुशबू बदबू, अच्छा बुरा, समझदार बेवकूफ, तरस नीरस। इस तरह से उल्टे अर्थ वाले शब्द हम लिखेंगे। और उल्टे अर्थ वाले शब्द को भी बच्चों पहले आप अपने बुक में लिख लेना, उसके बाद उसको कॉपी में उतारना। फिर है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितनी प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार के हैं, व्यक्तिवाची, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, जैसे यहाँ पे सम्मी और नूरे दो नाम दिया हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में संज्ञा ही वे नाम शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो किसी स्थान, वस्तु, जग, मतलब किसी का भी नाम हो उसको वो संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम हो तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जो किसी पूरे जाति का नाम हो, जैसे गांव, शहर और लड़के। गांव, गांव में बहुत सारे गांव हो सकते हैं, किसी भी गांव का नाम हो सकता है। फिर है शहर, फिर है शहर और उसके बाद लड़के। इस तरह से ये जाति यानी कि समूह में है, ये समूह में कहा गया शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर है भाववाचक संज्ञा, जो किसी भाव या गुण का नाम हो, जैसे बचपन, हरियाली। भावना, गुण और दोष। भाव या गुण, गुण में गुण या दोष कुछ भी हो सकता है। तो बचपना भाव है, हरियाली उसका गुण है, अगर वनस्पति है, हरियाली है तो ये उसका वनस्पति की एक खूबसूरती है या गुण है कि वो हरा भरा है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा हो गया। दिए गए शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे उदाहरण के रूप में लिखो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे कुछ संज्ञा दिए हुए हैं, इन संज्ञा को सही क्रम में व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुन के लिखना है, जातिवाचक में जातिवाचक संज्ञा चुन के लिखना है, भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा चुन करके लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें हामिद, आमीना, महमूद, मोहसिन, चांद और ईद। इस तरह से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम हो गया। फिर जातिवाचक संज्ञा, मिठाई, हलवाई, इमारत, बच्चे, खिलौने, टोपी, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर भाववाचक संज्ञा, स्नेह, आश्चर्य, क्रोध, लालच, प्रसन्नता और गरीबी। बच्चों इसको भी आप अपने बुक में अच्छे से लिख लोगे और लिखने के बाद आप उसको कॉपी में उतार लेना। और ये जो परिभाषा दी हुई है संज्ञा के प्रकार, ये इसको भी अपने कॉपी में लिखना है और याद करना है। कॉपी में लिखने के साथ साथ आप याद करते जाएंगे और शुद्ध उच्चारण के साथ इसको दोहराते जाएंगे। मुहावरों से वाक्य पूरे करो, ये मुहावरे दिए हुए हैं, इनसे वाक्य पूरे करना। जैसे दिल बैठना, पेट में चूहे कूदना, मुंह में पानी आना, ये तीन मुहावरे दिए हुए हैं, इसको सही स्थान में भरना है। खाली स्थान के रूप में दिया हुआ है, इसको वाक्य पूरे करना है, इन मुहावरों को सही स्थान पे भरना है। जैसे मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आने लगा, यानी कि मुंह में पानी आने लगा ये एक मुहावरा है, जो कि मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आने लगा, इसका प्रयोग हमने इस वाक्य में किया है। फिर है बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया, पर हमीद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा रहा। ये तीन मुहावरे दिए हैं, इनका प्रयोग इन वाक्यों में किया गया है और इस का सही प्रयोग आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से इनका मुंह में पानी आना, यानी कि बहुत ज्यादा लालच आना, मिठाई देख करके जैसे बच्चों का लालच आ जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। बहुत ज्यादा जब भूख लग जाती है ना, तो उसको कहते पेट में चूहे कूदना। दिल बैठ जाना यानी कि घबरा जाना, किसी चीज को देख करके डर जाना। तो महमूद ने जब देखा कि खिलौना गिर गया तो वो डर गया, इसीलिए यहाँ पर ये वाक्य बनाया गया है। इसको समझने की कोशिश करना बच्चों आप लोग, आप अगर एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आप सही अर्थ समझ पाएंगे। फिर प्रश्न है अब ये कि अब इन मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो,
ये तीनों मुहावरे जो दिए हुए हैं, दिल बैठना, पेट में चूहे कूदना, मुंह में पानी आना, इन तीनों मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग करके लिखना है। उदाहरण की तरह तीन ये वाक्य दिए हुए हैं, इसी तरह से आप लोगों को इन तीनों तीन वाक्य बनाना है और तीन वाक्य बना करके उसको लिखना है आप लोगों को। अब इसके बाद बच्चों आप पहले अपना बुक में लिख लेना, बुक में लिखने के बाद इसको आप अपने कॉपी में उतार लेना सही ढंग से। बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रश्न उत्तर मैं बाद में करूंगी, नेक्स्ट में, जिसको मैंने लिख दिया है एक पेज में मैंने लिखा है, जिसको आप पॉज कर करके लिख सकोगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, ईद कब आती है? ईद कब आती है बच्चों? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। कब आती है? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। फिर दूसरा प्रश्न है, महमूद और मोहसिन के पास कितने कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। हमीद क्यों प्रसन्न था? हमीद अपने दादी के गोद में सोता था, उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए वह प्रसन्न था। ये सारी बातें सोच करके महमूद अहमद इस ये सारी बातें सोच करके अहमद प्रसन्न था कि वो अपनी दादी के गोद में सोता है और उसके अब्बा जान जो है वो पैसा कमाने के लिए गए हैं और माँ जो है वो बहुत सारी चीजें उसके लिए लेने के लिए गई हुई हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, साथियों के खिलौनों को देखकर हमीद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया? साथियों के खिलौनों को देखकर हमीद ने अपने आप को यह कह के समझाया कि खिलौने मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। उसने अपने आप को ये बात कह दिया कि खिलौने मिट्टी के हैं, अगर वो गिर जाए तो वो चकनाचूर हो जाएंगे, ये सोच करके उसने अपने आप को समझा लिया। इसके बाद है लिखित। लिखित में सबसे पहला प्रश्न है, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? इसलिए खुश थे क्योंकि ईद के दिन बच्चे ईदगाह जाएंगे, वहां पे लगे मेले से खिलौने, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे, ये सोच सोच करके बच्चे बहुत खुश थे कि उनको ईदगाह जा करके वहां पे मेला घूमने को मिलेगा, ये सब सोच सोच करके वो लोग बहुत खुश थे। अमीना क्यों उदास थी? गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे और हमीद अकेला, उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, अमीना को भीड़ में हमीद के खो जाने का डर था, इसलिए वह उदास थी। अमीना को ये डर था कि कहीं उसका बच्चा जो है वो खो ना जाए, इसलिए वो डर रही थी और उसके पैर में जूते भी नहीं थे, उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता, सारे बच्चे जो जा रहे थे उसके साथ ही वो सभी अपने पिताजी के साथ जा रहे थे। फिर चिमटे का दाम सुनकर हमीद का दिल क्यों बैठ गया? चिमटे का दाम सुनकर हमीद का दिल क्यों बैठ गया? हमीद के पास 3 पैसे ही थे और चिमटा का दाम 6 पैसे था, इसलिए चिमटा का दाम सुनकर हमीद का दिल बैठ गया। हमीद के पास उतने पैसे नहीं थे, अगर दुकानदार 3 पैसे से ज्यादा मांगता तो कैसे दे पाएगा, और चिमटा का दाम 6 पैसे था, इसलिए हमीद का जो मन था या दिल था जो वो बैठ गया। फिर उसके बाद प्रश्न है, हमीद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? हमीद की दादी जब तवे से रोटियां उतारती तो उनका हाथ जल जाता था, इसलिए हमीद ने अपने 3 पैसे चिमटे पे खर्च करना ठीक समझा। उसको अपनी दादी का दुख याद आया, उसने अपने दादी को देखा था जब वो तवे से रोटी उतारती थी तो उनका हाथ जल जाता था, ये सोच करके उसने ये ठीक समझा कि मैं इस तरह से अपनी दादी की मदद कर सकूंगा और इसलिए उसने चिमटा खरीद लिया। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? अमीना का क्रोध स्नेह में हामिद का अपने प्रति त्याग, सद्भाव और उसके विवेक को देखकर बदल गया। हामिद इतना समझदार बच्चा है ये सोचकर, और वो अपने वो अमीना से इतना ज्यादा प्यार करता है, स्नेह करता है और इतना बुद्धिमान है, ये सब सोच करके उसका क्रोध जो था वो स्नेह में बदल गया। बच्चों इसको मैंने लिख दिया है, आप उसको देख देख के उतार लोगे और अपने मन से भी लिख सकते हैं आप, अगर आप देख के उतारेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिर एक प्रश्न है, मेले में यदि हामिद की जगह तुम होते तो क्या करते, सोच कर बताओ।
सोच कर लिखो बच्चों, इसको आपको खुद लिखना है। आप हमीद की तरह कुछ करते या उससे कुछ अलग हटके करते, ये आपको खुद लिखना है, क्योंकि आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है और पाठ को बार बार दोहराना, जिससे आपका उच्चारण और वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने इस पेज में लिख दिया है सारा, मौखिक लिखा है, फिर उसका लिखित लिखा है, सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। आप इसको पॉज कर करके आराम से एक एक प्रश्न का उत्तर लिख लेना, और इसके अलावा अगर आपको कुछ दूसरा लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। आराम से इसको लिखना और देख देख करके बच्चों, इसको आप आराम से लिख लेना, और ध्यान से जितनी बार लिखोगे तो आप बोल बोल के लिखने की कोशिश करना, जिससे आपका उच्चारण भी सही हो और लिखनी भी आपका सही हो, आपको दिक्कत नहीं हो।